ले राज का, और बीवी मेरी की भूखा तू है, और तुझे पता है ना तेरी जीजी हर साल बच्चों डांस करने समय कम जाती है, तो फिर उदास क्यों है? ओए तेरे लिए मैंने आलू भुजा सैंडविच बनाई है, तेरी फेवरेट, और तेरी अवनी की भी फेवरेट। अच्छा हाँ, तू क्या कह रहा था कि अर्पिता ने तेरी और तेरी जीजी की वीडियो देख ली है और उसे डिलीट भी कर दी, और उसने ये भी कहा कि वो खुश है कि तू अवनी से प्यार करता है। हाँ जीजी। तो यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? अच्छा है ना बेटे, बेटा एक घर का बंदा राजी हो गया, और बस ये सोच कि अपनी को तेरे प्यार के लिए कैसे राजी करना है बस। मम्मी पापा ने अब तक लड़का ढूंढा तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो जो भी ढूंढेंगे ना मेरे लिए मुझसे बहुत प्यार करेगा। और आज क्या हुआ, क्या सोच रहा है? ले भुजिया का। नहीं जीजू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर बात तो सुन राज। अर्पिता, हेलो। जशन जी, कैसे हैं आप? हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। राज कैसा है? वो ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों जब से आया चुपचाप सा है। अब वो क्या बात करेगा जशन जी, जब यहाँ अपने की शादी की बातें चल रही है, सब खुश है, पूरी फैमिली खुश है, अपने भी खुश है, ये देख के राज तो उदास होगा ही ना। क्या जशन जी, राज ने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं उसके दिल की बात किसी से ना बताऊं, इसलिए मैं उसकी हेल्प अब नहीं कर पाऊंगी। जशन जी, अब आपको ही कुछ करना होगा। जी मैं माधुरी से बात करता हूँ, वो कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेगी। दैट्स गुड, हमें जल्द से जल्द सारे टेंडर कंप्लीट कर लेने चाहिए, इस काम में बिल्कुल भी देरी ना हो। और तुमने पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया? डैड मैं कल कर रहा था, बट प्रोसेस रह गया, वो आज कंप्लीट कर लो। अच्छा तुम्हें पता है ना मुझे काम में कोई भी लापरवाही पसंद नहीं, काम पहले बाकी सब बाद में। जी डैड मैं आज ही पूरा कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग बॉस सर। अरे काहे का गुड मॉर्निंग, इनफैक्ट कुछ भी गुड नहीं है आज की मॉर्निंग में, पता है मैं तो रात भर ठीक से सो नहीं पाई, अपनी की शादी की प्लानिंग जो कर रही थी। भाभी मुझे ना रात को एक बहुत अच्छा आइडिया आया दिमाग में, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अवनी की कुछ अच्छी फोटोज खींच के रखनी चाहिए, अब कल को कोई रिश्ता है तो हमें अपनी तरफ से तैयार भी तो रहना चाहिए ना। वैसे जक्की जाने साहब है, जयपुर की जाने साहब है, मैं ना एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर को जानती हूँ, लोग उसे लकी फोटो वाला बोलते हैं, कहते हैं कि वो जिसकी भी फोटो खींच ले ना उसकी फोटो शादी के एल्बम में लग जाती है, समझो। सही सांवरे, कुछ तैयारी तो हमको भी करनी, तुम अपॉइंटमेंट रख लो। ठीक है। बुआ सा देखिए भाभी आपके लिए क्या लाई है। भाभी दीजिए। ये किस ताले की चाबी है? ये ताले की चाबी नहीं है, ये महेश्वरी बंगलो की चाबी। महेश्वरी बंगलो? आप यहाँ बंगलो की बात कर रहे हो, और भाभी वहाँ कविता जी से बात कर रही थी। वो कविता और उसका हस्बैंड यूएस में है और वो वहीं सेटल होने वाले हैं, मतलब कि अब उन्हें इस बंगलों की कोई जरूरत नहीं। आपको तो पता ही है कि उनके पास कितने सारे ऑफर्स थे, और जब भाभी ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये बंगलो भाभी के हाथों ही बिकना चाहिए। बस भाभी ने केयरटेकर से बात की, चाबी ले ली। अरे वाह, ये तो चट बयाना और पट सौदे वाली बात होगी, है ना प्रताप जी? अब आप भी ना तेजी दिखाओ, और हमारी जितनी भी पुरानी प्रॉपर्टीज है उन्हें बेच के ये बंगला हाथों हाथ खरीद लो, ठीक है? मेरी इज्जत इसी में है कि जब तक मैं आपको आपके हीरे वापस नहीं दे देता तब तक आप मेरे घर के पेपर गिरवी रखिए। मुझे कैसे भी करके बंगलो खरीदने की बात को टालते रहना होगा। साहब। हाँ कहो जी। बाहर जैसलमेर से कुछ लोग आए हैं महेश्वरी बंगला खरीदने के लिए। अरे नहीं नहीं, उनको बोल दो उल्टे पैर वापस चले जाए, क्या तो बंगला बिक गया। ऐसा क्यों बुआ सा, इतनी दूर से आए तो कम से कम उन्हें बंगलो तो देखने दो, फिर उसके बाद कविता जी उन्हें मनाई कर देंगी। मैं उन्हें बंगलो दिखा के आती हूँ। अंदर से सारे कमरे खुलवा के इनके लिए चाय नाश्ता लेकर। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे आप लोग? हम ठीक है बेटा, प्लीज आइए ना। आइए। रश्मि,
पहचाना मुझे? अवनी, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। रश्मि, कितना बदल गई हो तुम, ये साड़ी पल्लू। बस अभी कुछ महीने पहले मेरी शादी हुई है। Really? Congratulations. Thanks. बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो कैसी चल रही लाइफ? I mean, तुम्हारी मैरिड लाइफ? पर हस्बैंड कैसा और क्या करते हैं? वो